नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। 2 रुपए में होगी गोबर की खरीदी। 16,278 शिक्षकों के संविलियन पर मंत्रिमंडल की मुहर। गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो में होगी गोबर की खरीदी। मंत्री परिषद की बैठक में गोबर को 2 रुपए में खरीदने पर लगी मुहर। 16,278 शिक्षकों के संविलियन पर मंत्रिमंडल की मुहर। 1 नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी माने जाएंगे सभी शिक्षक। यात्री बसों को जून महीने के देय मासिक कर में छूट की अनुमति मिली। जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक 5 किलो चावल प्रति राशन कार्ड निशुल्क वितरण करने का फैसला। राज्य के सीधी भर्ती के सभी पदों में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति होगी। इंद्रावती नदी घाटी के विकास के लिए इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सीजीपीएससी में अध्यक्ष के पद पर टामन सिंह सोनवानी की नियुक्ति का अनुमोदन। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला को प्रमुख सचिव पद पर 3 वर्ष के लिए सही संविदा नियुक्ति का अनुमोदन किया गया। मंत्रियों की सभा में कोरोना पॉजिटिव पुलिस कर्मी मिलने से मची अफरा तफरी। मंत्रियों की सभा में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी मिलने से अफरा तफरी मच गई है। सोमवार को मंत्री रुद्र कुमार और जय सिंह अग्रवाल ने सेमरा भदौरा में की थी सभा। कार्यक्रम के दौरान मंच पर कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी भी मौजूद था। पुलिसकर्मी ड्यूटी में तैनात था। रिपोर्ट में पुलिसकर्मी के संक्रमित पाए जाने के बाद अब हडकंप मच गया है। पुलिसकर्मी के पास मंच पर कौन कौन मौजूद था, इसका हिसाब लगाया जा रहा है। रायपुर में नाइजीरियन गैंग सक्रिय। एम्स डायरेक्टर की फर्जी मेल आईडी बनाकर साथी डॉक्टर से वसूली की कोशिश। नाइजीरियन गैंग में रायपुर एम्स के डायरेक्टर की फर्जी मेल आईडी बनाकर कई डॉक्टरों से वसूली की कोशिश की। एम्स के ही साथी डॉक्टरों को मेल भेजकर पैसों की मांग की जा रही थी। एम्स डायरेक्टर को जब साथी डॉक्टरों ने इस बात की जानकारी दी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने अमानाका थाने में शिकायत की। जांच के बाद पुलिस ने आईटी एक्ट समेत कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भी करीब आधा दर्जन लोगों का सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से लॉकडाउन के दौरान आर्थिक मदद के साथ एक्सीडेंट का हवाला देकर मोटी रकम वसूल चुके हैं। दुर्ग जिले में 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव। 80 बच्चों पर संक्रमण का खतरा। गांव हुआ क्वारंटाइन। एम्स में एक साथ आई 15 कोरोना सैंपल की पॉजिटिव रिपोर्ट से स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों में हडकंप मच गया है। सोमवार को आई रिपोर्ट में दुर्ग ब्लॉक के ग्राम बोरीगारका की 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे वजन त्योहार में व्यस्त थीं। लगभग 80 बच्चों को गोद में उठाकर उन्होंने वजन कराया। बाद में मासिक रिपोर्ट भी तैयार की। देश में अब तक 9 लाख संक्रमित। लगातार दूसरे दिन आए 28,000 से ज्यादा मामले। भारत में हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका और ब्राजील के बाद हर दिन सबसे ज्यादा मामले भारत में आ रहे हैं। वहीं भारत में अमेरिका से ज्यादा मौतें हो रही हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,06,752 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 23,727 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,71,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,998 नए मामले सामने आए और 553 मौतें हुई हैं। सरकारी बंगले को लेकर पीएम से अनुरोध की खबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया फेक न्यूज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकारी बंगला खाली करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने कहा कि 35 लोधी एस्टेट वाला बंगला वह 1 अगस्त से पहले खाली कर देंगी। कांग्रेस नेता ने उन खबरों पर अपना जवाब दिया, जिसके तहत कहा जा रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंगले को लेकर अनुरोध किया था। प्रियंका गांधी ने इसे फेक न्यूज बताया है। भगवान राम पर नेपाली पीएम के बयान से भड़के अयोध्या के संत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भगवान राम पर दिए गए बयान से अयोध्या के संत भड़के हुए हैं। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास महाराज ने कहा है कि आज से नेपाल में उनके शिष्य ओली के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। वेद और पुराण में वर्णन का जिक्र करते हुए रामदास महाराज ने कहा है कि नेपाल में सरयू है ही नहीं। रामदास महाराज ने कहा है कि मेरे लाखों शिष्य नेपाल में रहते हैं और कल से लाखों की संख्या में भक्त सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे।
बीजेपी में कोरोना विस्फोट, पॉजिटिव मिले पार्टी के 75 नेता। बिहार में कोरोना के संक्रमण का दौर लगातार भयावह होता जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन नेताओं को इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त में लिया है, उनमें संगठन के महामंत्री नागेंद्र जी, प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, राधा मोहन शर्मा समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर शामिल है। बिहार में संभवतः ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सियासी गलियारे में इतनी तादाद में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटाया। राजस्थान में जारी राजनीतिक उठापटक को लेकर सख्त कदम उठाते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है। इसके साथ ही पायलट समर्थक तीन मंत्रियों को भी बर्खास्त कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष गोविंद सिंह को बनाया गया है। हटाए जाने वाले मंत्रियों में विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर वापस लौटी अंकिता लोखंडे, सुशांत की याद में भगवान के सामने जलाए दीपक की फोटो शेयर की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 14 जुलाई को एक महीना बीत चुका है। उनके फैंस और करीबी अब तक इस बात को मान नहीं पा रहे हैं कि वह इस दुनिया में नहीं है। सुशांत की मौत से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी बेहद दुखी है। सुशांत की मौत के बाद वह सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, लेकिन एक महीना बीतने के बाद वह सोशल मीडिया पर वापस लौट आई है। अंकिता ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली पोस्ट शेयर की। उन्होंने अपने घर के मंदिर में एक तस्वीर शेयर की जिसमें भगवान गणेश और साईं बाबा की मूर्ति नजर आ रही है और उसके सामने दीपक जल रहा है। अंकिता ने यह दीपक सुशांत की याद में भगवान के सामने जलाया। अंकिता ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने लिखा है चाइल्ड ऑफ गॉड। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।